सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। तो बहुत दिन के बाद मिलना जुलना हो रहा है इस चैनल पे, ठीक है ना। अगेन वेलकम करता हूँ आप लोगों को सभी को, ठीक है। और जो नए स्पेंट लोग हो, सबसे पहले टेलीग्राम चलो ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो बहुत दिन बाद मुझे हॉलीडे मिला तो मैं आप लोग के पास आया हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको कि मतलब जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं या जो नोवीस होते हैं ना, मतलब जो जो नौसिखिया हैं या जो नए नए आए हुए हैं, मतलब डिफेंस के प्लेटफॉर्म में डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे NDA, CDS या ऑफिसर एंट्री जितने भी होते हैं हमारे, ठीक है ना, उसके बारे में मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग को पता होगा ना कि अभी मैं जिस टॉपिक में बात कर रहा हूँ CDS के बारे में, ठीक है, CDS के बारे में सारा कुछ बात करेंगे, जैसा कि आप लोग को पता होगा। और मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, सारा कुछ डाउट क्लियर करूंगा आज आपका, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो, मार्कशीट के बारे में बात होगा यहाँ पर। सबसे पहले देखो, आपको मैं बताता हूँ, ये जो चैनल है डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस, आप लोग के लिए प्रिपरेशन के लिए मशहूर है, ठीक है। आप लोग को प्रिपरेशन करना नहीं छोड़ता है किसी भी मतलब कंडीशन में, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, डिफेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, लाइक ऑफिसर एंट्री, चाहे मतलब ऑफिसर एंट्री बोल दो या कमीशन रैंक की एंट्रियाँ बोल दो, चाहे नन कमीशन रैंक की, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशली मैं प्रायोरिटी देता हूँ, और पारा मिलिट्री फोर्सेज के भी सिलेबस काफ़ी हद तक सेम होते हैं। तो रिटर्न के प्रिपरेशन से लेकर फिजिकल से मेडिकल की गाइडेंस देता हूँ। मैं भी एयरफोर्स ने भी 2-3 बार क्रैक किया हूँ, कोस्ट गार्ड क्रैक किया हूँ, ठीक है ना। अभी भी मैं ड्यूटी पे हूँ, ठीक है ना, मतलब सर्विस के दौरान हूँ। तो आप लोग को गाइडेंस देते रहता हूँ, ठीक है। तो जो भी डाउट हो सबसे पहले टेलीग्राम में जाओ, इंपॉर्टेंट काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, सैकड़ों के तादाद में हैं लोग जो कि हेल्प लेते रहते हैं मुझसे, पर्सनल डाउट पूछते रहते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे 2 साल से कोई भर्तियाँ नहीं आ रही थी, बहुत सारे चीज़ें हो रहे थे। एक्चुअली मैंने जब से सिलेक्शन लिया हुआ उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई, ठीक है ना। मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि जब से मैंने सिलेक्शन लिया हूँ, ठीक है ना, उसके बाद से कोई मतलब ऑनलाइन वाली जो एग्ज़ाम चलती थी वो नहीं हो रही है, या रिली भी जो वो सोच सकते हो आप, आर्मी की बहालियाँ जो होती थी, ओपन बहालियाँ, ओपन रिली, ये सब नहीं होती थी, ठीक है, नहीं हो रही है। बहुत सारा हल्ला हंगामा, वोट चुनाव, प्रोटेस्ट, ट्विटर कंपेरिजन, सभी कुछ A to Z, डिजिटल से लेके नॉन डिजिटल पर सभी टाइप का प्रोटेस्ट हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, वादा भी हो चुका है उनका। तो देखो, वादा किए हैं तो ज़रूर पूरा करेंगे, गवर्नमेंट अच्छे हैं ऐसा बात नहीं है, बट फिर भी इंटरनल मैटर थोड़ा सा अभी चेंज हो चुका था ड्यू टू कोरोना। कोरोना तो एक बहाना है, फिर भी मानता हूँ मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ, मैं भी दिल्ली नहीं आ सका, बहुत सारी चीज़ है, ठीक है ना, समय मिलता नहीं, ड्यूटी पे रहता हूँ, तो सारा कुछ पहला चीज़। दूसरा चीज़, बहुत सारा और एग्ज़ाम आगे के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करता हूँ, तो आप लोग को पता होगा थोड़ा सा आगे बढ़ने का इरादा है, ठीक है ना, कुछ और आगे अच्छा करने का इरादा है। तो वही सब चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो, आपको सारा चीज़ मैं बताऊँगा, बहुत दिन बाद पहले तो मिला हूँ आप लोग से, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है बात करके, ठीक है, इस वीडियो बना के। थोड़ा सा टॉपिक से हट के पहले मैं बात करूँगा, उसके बाद टॉपिक पाऊँगा, उसके बाद टॉपिक के बारे में डिटेल में समझाऊँगा, उसके बाद इस वीडियो का बहुत लोगों को, काफ़ी लोगों को इंतज़ार था, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, ये चीज़ बहुत लोगों को पता ही नहीं होता इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। इस टॉपिक को मैं आज क्लियर करूँगा, क्या है ये टॉपिक, वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखते रहो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि मतलब बहुत लोग को डाउट होता है, ठीक है ना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो काफ़ी कुछ ये सब इस वीडियो के आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, ठीक है ना। तो मैं तो मेरा नेम अब छोड़ दो, मत जानो, ठीक है। मेरा जो चैनल है डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लास, यहाँ पर सभी डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराता हूँ मैं, रिटर्न से लेके मेडिकल तक की जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि मैंने भी सिलेक्शन लिया है काफ़ी एग्जाम में और डिफेंस एग्जाम में, तो अपने गाइडेंस के अनुसार, ठीक है। जब से मैंने सिलेक्शन लिया इंडियन कोस्ट गार्ड में या इंडियन नेवी में, सारा जितना भी क्वालिफिकेशन, उसके बाद से ऑनलाइन भर्ती नहीं आई, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे जो भी ऑफलाइन चल रही थी, ऑनलाइन नहीं चल रही थी, प्रोटेस्ट हुआ है। तो अब देखो, अब सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। देखो क्या है ना, सीन यही है कि जितना भी हमारे गवर्नमेंट मतलब मिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे आगे चल के। आपको टूर ऑफ ड्यूटी लगेगी, काफ़ी गर्ल्स कैंडिडेट एक्वायर्ड होंगे, मतलब वैकेंसी उन लोग की आएगी ज़्यादा, वो लोग को ज़्यादा डोमिनेंट बनाना चाह रहे हैं सरकार हमारे, नारी सशक्तिकरण देना चाह रहे हैं, सभी फील्ड में नारी को इक्वलिटी का मौका दिया जा रहा है, समझ में आ रही बात है। तो नारी के लिए देखो, पहले तो फौज में लड़की लोग का बहुत कम जगह था, 1.10% था, ठीक है, 0.10, समझ पा रहे हैं ना, 1/10% था, समझ पा रहे होगा आप लोग, तो वैसा चीज़ था। तो उसको अब ग्रो करके 0.50 यानी 1:1 का जो है, या जो भी है, इक्वल वेटेज देना चाह रही है, ठीक है ना, हाफ एंड हाफ जो भी है, 1:1 का प्रावधान करने की और बढ़ रही है,
पूरा तो नहीं कर देगी, बट हाँ धीरे धीरे अग्रसर हो रही है, डोमिनेंट कर रही है मैम फीमेल कैंडिडेट को। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट है हमारे से जुड़े हुए हैं ध्यान से सुनना, और जो नहीं जुड़े हैं उनको अपना भाई बहन जो भी है, जो भाई है वो, जो बहन है, जुड़ना चाहते हैं फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छा से गाइडेंस लेना चाहते हैं फौज के बारे में एक एक स्टेप के थ्रू, ठीक है ना, हमारे चैनल को मतलब उसको उन लोगों को हमारे चैनल के बारे में रिकमेंड करो, बताओ, ताकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, ताकि मेरे से जुड़े जितना भी जानकारी हो मतलब फौज के बारे में, मैं भले आपको मतलब फेस टू फेस नहीं बट वर्चुअली मैं आप लोग को इतना अच्छा सा गाइडेंस दूंगा कि मतलब आप लोग का सारा दुख दर्द मुसीबत टेंशन समझ पा रहे हो ना। क्योंकि फौज एक लिमिटेड होती है, लिमिटेड सीमा के लिए होती है, ठीक है ना, ज्वाइन करना। और बहुत लोगों का सपना होता और इस इंडिया जैसे मतलब पावन धरती पे, भगवानों की धरती पे, ईश्वर की धरती पे, ठीक है ना, ये सब बहुत लोगों का शौक होता है अपने देश के प्रति मर मिटने और देश के प्रति सारा कुछ अपना कर्तव्य करने का, ठीक है। यहाँ पे मतलब युवा लोग बौखलाए हुए हैं कि कैसे भी हमको कोई तो जाना नहीं चाहता अपना देश के प्रति, बहुत अब कंट्री में देखोगे तो ज़बरदस्ती उनको फौज में दिया जाता है कि हर एक घर से उन लोग को, अब देखो जर्मनी वर्मनी में, रशिया में देखो, हर एक घर से उनको फौज में एक होना ही चाहिए, नहीं तो आप लोग को रहने नहीं दिया जाएगा, ज़बरदस्ती किया जाता है वहाँ पर, फौज ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पे ऐसे हैं कि खुद से ज्वाइन करना चाहते हैं लड़के लोग, लड़कियाँ लोग, युवा लोग, नौजवान लोग, बट उन लोग को रोज़गार नहीं मिलता, उसमें वैकेंसी कम पड़ जाती है, समझ पा रहे हो बात। खास कर राजस्थान, हरियाणा, बिहार वाले लोग भी हैं बहुत सारे, झारखंड में भी हैं, बंगाल में भी हैं, ठीक है, पर सबसे ज़्यादा बिहार, राजस्थान, सॉरी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, मतलब वो सब में अच्छे खासे हैं। मैं, मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा सब कुछ है नहीं, ठीक है, एवरेज हूँ मैं, हाँ सब चीज़ में एवरेज, और फौज भी एवरेज मांगती है आपसे, ये नहीं कि बहुत बड़ा 30 मार खान हो, अब 6 फिट के आता जाता कुछ नहीं, दिमाग है नहीं, अब सब चीज़ में एबल हो, एवरेज नॉलेज है, हाइट अच्छी है, हाइट एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत कोई कोई सोचते होंगे हाइट कम है तो मैं नहीं ज्वाइन कर सकता, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ पर मैं बात करूँगा। बहुत लोग नए नए पर्सन होते हैं, ज्वाइन करना खोजते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, सोशल रिस्पेक्ट, हाँ, और आप लोग मेहनत करोगे तो फिजिकल भी ग्रो कर सकते हो अपना, जिनका हाइट नहीं है, जिनका वेट नहीं, जिनका फिजिकल प्रॉब्लम होता है, जिनका मेडिकल प्रॉब्लम होता है, जिनका रिटर्न में भी दाम ही नहीं निकल पाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, समय समय पर अलग अलग रोड़ा आता है, बहुत कोई एक बार में ही सिलेक्शन ले लेते हैं, फोकस होते हैं, उनको गॉड गिफ्टेड भी बोला जाता है, ठीक है, तो छोड़ो ये सब बातें, ठीक है। तो अब वैकेंसी आने वाली है कुछ दिन में, अब देखना 3 से 4 मंथ के अंदर सारा कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। देखो स्क्वाडन बहुत जगह बन रहा था, एनडीए में, सीडीएस में, सीडीएस में तो खैर है, एनडीए में बहुत सारा स्क्वाडन बन रहा है, उसी तरह एयरमैन ट्रेनिंग सेंटर जहाँ बेलगावी कर्नाटक है, फिर जाके आप कोस्ट गार्ड में देख लो, फिर जाके आप इंडियन नेवी में देख लो, सभी जगह गर्ल्स लोग के लिए स्क्वाडन बन रहा है, ठीक है, ताकि गर्ल्स लोग को डोमिनेट किया जाए, क्योंकि एयरमैन की वैकेंसी आएगी तो एयर वोमेन की भी वैकेंसी आएगी, उसी तरह नेवी पर्सन की आएगी तो नेवी वोमेंस की भी आएगी, ठीक है ना। ये मैं सोल्जर लोग की बात कर रहा हूँ, सोल्जर पोस्ट जो होते हैं, सेलर पोस्ट जो होते हैं, वो लोग के, क्योंकि 1 से 2 साल में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और रिटर्न एग्जाम भी जो है वो भी ऑनलाइन होगा। वैकेंसी अभी आने वाली थी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया नेवी के द्वारा, कुछ दिन बाद जो आएगा वो ऑनलाइन ही आने का चांस है, बहुत सारा कोर्ट केस ये सब सारा कुछ आप लोग देख रहे हो नज़ारा, मैं भी सारा कुछ देख रहा हूँ, बट टाइम नहीं मिलता था तो मैं अभी बिजी रहता, अपना आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाता, बट आज हूँ, आज समय है, काफ़ी कुछ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो मैं अपना टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है, कहने का मतलब यही है, इतना जितना भी आप ड्रामा देख रहे थे, पहला तो चुनाव ना जो भी था, दूसरा वो मेजर पार्ट है, बट दूसरा जो है बहुत सारा चेंजेस करने की ओर, क्योंकि देखो वहाँ पे डिफेंस में सारे लोग डिफेंस की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ज़रूरी है, आना भी चाहिए, ठीक है, सभी लोगों को, क्योंकि कैंडिडेट इतना है सारा कुछ, बहुत दिन से वैकेंसी नहीं है, एज रिलैक्सेशन नहीं मिला, बहुत सारे लोग युवा बेरोजगार हैं, वैकेंसी भी बहुत सारी खाली है, ऐसा बात नहीं, बट सभी को पेंशन का ज़्यादा से ज़्यादा आप देख रहे होगे डिफेंस में जो है ना, सबसे ज़्यादा जो बजट जाता है वो पेंशन पे, मतलब समझ पा रहे हो, 3/4 पार्ट पेंशन पे यूज होता है, जितना उसका बजट आता है डिफेंस बजट, उसमें पेंशन पे ज़्यादा आपको, और कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में पेंशन नहीं है, पुराना वाला पेंशन सिर्फ ओनली डिफेंस में है, आपको पता है, वो भी मिलिट्री फोर्सेस में, पारा मिलिट्री में नहीं है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में है, तो आर्मी नेवी एयरफोर्स में अगर जाने के लिए सब सोचते हैं कैसे भी मैं इस जो लिमिटेड टाइम पीरियड होते हैं 3 से 4 साल आप लोग को मिलता है, चाहे वो नॉन कमीशन रैंक हो यानी सोल्जर ये सब का जितना रैंक हो, या फिर अब सोल्जर के बाद ऑफिसर रैंक में भी 2-3 साल आपको मिलता है ज्वाइन करने, उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो यही सब चीज़ें हैं, ये सब को अगर दूर करने के लिए सभी कोई को मौका देने के लिए सरकार पेंशन हटा रही है, मतलब पेंशन हटाएगी क्या, पेंशन रहेगा बट टूर ऑफ ड्यूटी यानी 2-3 साल 5 साल 7 साल इस टाइप से सभी बंदे को मौका देंगे, जिनका एज निकल भी गया है 2-2 साल 3-3 साल, उन लोगों को रिलैक्स करके 25 से 27 साल 28 साल तक के युवा को देंगे, जो नौजवान है 30 साल तक के भी दे सकते हैं, और आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है ना,
टेन्यूर जो है आपका सर्विस का बढ़ाया जाएगा। और देखो पेंशन का एक आयु सीमा होता है कि 20 साल 15 साल जॉब करने के बाद पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे वो सोल्जर हो चाहे वो कमीशन रैंक हो। उसी तरह शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी आप देखते हो कि 14 साल का होते हैं, 10 साल का होता है, 10 साल के लिए ही करते हो। समझ पा रहे हो बातें? ये सब चीज़ें हैं, कोई नहीं बताएगा डीपली में अच्छे से, ठीक है? तो देखो पेंशन जब भी मिलेगा जब तक 20 साल आप सर्विस नहीं करोगे। और यही सर्विस जो पेंशन के बजट के कारण है ना, सरकार का पेंशन का बजट जो है उसको हटाने खोज रही है, क्योंकि मतलब कम करने खोज रही है, ताकि सभी को मौका मिले, सेना में सब कोई ज्वाइन हो सके। तो सरकार भी तेज है आप भी जानते हो, और हमारे युवा को भी मतलब मौका मिलना चाहिए, दोनों काम देख रही है सरकार, इसलिए आपको ऐसा ऐसा चीज़ें बताया जा रहा है, ठीक है? बट आज जो हम लोग बात करेंगे ना, जो टॉपिक होगा हम लोग का आज जो है CDS के बारे में बात करेंगे। CDS, ठीक है, कलर चेंज किया जाए, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है? तो CDS 1/21 यानी जो एग्ज़ाम हुआ था 7 फरवरी को ऑल इंडिया में, 7 फरवरी 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था ना जी, 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था, समझ में आ रही? 7 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं आज आप लोग को विश्लेषण देने वाला हूँ, डिटेल बताने वाला हूँ उसका। देखो फाइनल रिजल्ट आ चुका है, क्या हुआ है, फाइनल रिजल्ट जो है आ चुका है। कब आया है फाइनल रिजल्ट आपका? 20-25 दिन पहले आ चुका है विथ मार्क्स, ठीक है? मार्क्स मतलब जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनका लिस्ट आता है, कितना कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, टॉपर लोग भी रहते हैं उसमें, और सबसे लास्ट कैंडिडेट, लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट विथ SSB का भी मार्क्स रहता है, रिटर्न का भी, तो वो तो लिस्ट हो गया। तो आप लोग को बहुत मेजर जो डाउट होता होगा, आप लोग सोचते होगे ना मेजर डाउट कि सर जी मैंने तो एग्ज़ाम दिया, ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया, इतना मेहनत से इतना दिन रुका, रिजल्ट मेरा नहीं पता चला, मेरा रियली में जो मार्क्स है रिटर्न मार्क्स जो होती है, वेट करो देखो, जो रिटर्न की जो मार्क्स होती है, मैंने जो OMR मार्कशीट पे दिया था, रिटर्न OMR पे जो मैंने एग्ज़ाम दिया था मार्क्स, उसका वो मार्क्स कब आएगी भैया जी, वो मार्क्स सर हमको कब मिलेगा, कहाँ से पता चलेगा कब आता है? आप वेट करते चले जाते हो, आपको कोई गाइडेंस नहीं देता है कि कैसे क्या कैसे कब आता है, कब चेक करना होता है। तो मैंने इस पर डिटेल एनालिसिस किया, एज अ कैंडिडेट मैंने ये चीज़ को फेस किया हुआ, ठीक है, ये प्रॉब्लम को फेस किया हुआ। तो अब जाके मैंने जब अपना खुद का मार्क्स, अपने एक कैंडिडेट का मार्क्स चेक किया, ठीक है, तो मुझे ये पता चल सका, ठीक है, कि क्या है पूरा डिटेल में माजरा। तो इस वीडियो में आपको सारा डिटेल क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहे? अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ही खड़ा हूँ UPSC का, ठीक है? तो सबसे देखो आप लोग जितना इधर उधर ध्यान देते हो ना, उससे बढ़िया एक मेजर एग्ज़ाम यानी जो बड़ा और रियल ऑथेंटिक टाइम पे एग्ज़ाम जो लेने वाला बोर्ड है UPSC का, फिर जाके ऑफिसर लेवल का जितना एग्ज़ाम NDA ये सब जितना UPSC कराता है, उसके बाद FKT ये सब भी एक टाइम पे होता है, वो सब कभी नहीं रुका, ऑफिसर लेवल का कोई एग्ज़ाम नहीं रुकता भैया जी, ये याद रखना, ठीक है? टाइम पे होता सारा कुछ, टाइम पे रिजल्ट सब कुछ टाइम पे आता है, ठीक है? तो आपको टेंशन नहीं, इसलिए मेहनत करो, जम के मेहनत करो, कंपटीशन फाइट करने वाला मेहनत करो, और ऐसा करो कि हाँ हर चीज़ टाइम पे हो जाए, मेहनत करो तो उसका रिजल्ट दिखे, टाइम पे रिजल्ट आए, ताकि आप डिसीजन ले सको, हाँ मुझे इसमें जाना है, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। मैंने बहुत अपने आप में संघर्ष किया है, जूझा हूँ, अलग अलग कंपटीशन को फेस किया हूँ, बहुत एग्ज़ाम दिया हूँ, लगभग 50-100 एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना? तब जाके मुझे पता चला। बट आप अगर एक एग्ज़ाम पे, मुझे कोई स्पेसिफिक माइंड में गेम नहीं था कि मुझे यहीं पे जाना, इसलिए दिक्कत हो गया, मुझे सर्विस लेने में लेट हो गई, नहीं तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सारा एग्ज़ाम क्लियर करना था। कहीं पे भी आपको फ़ौज में जाना है, चाहे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बैरिस्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, गेम्स में जाना है, कहीं पे भी जाना है, आपको माइंड में गेम एक क्लियर करके रखो कि हाँ यहाँ जाना है, ये मेरा बेस्ट ऑप्शन है, ये मेरा बेस्ट पेशन है, जो काम करने में मन लगता है उसको फोकस करो, जाओ। जैसे मुझे बाद में पता चला डिफेंस का अहमियत, डिफेंस के बारे में, डिफेंस की मतलब होती है ना लेगेसी, डिफेंस के लिए जो होता है ना आपका मेजेस्टिक लाइफ, उसका जो होता है मस्त रुतबा वाला लाइफ, ये जो भी है सारा सेंट्रल पावर, हमेशा कोई चीज़ का टेंशन नहीं, सारा कुछ फौज का बिल्कुल मैनर वे में, एक फौज आपको हैबिचुअल एक्शन सिखाती है, बिल्कुल सारा कुछ समझ पा रहे होगा, समझ पा रही है ना? मतलब एक अच्छा वेल मेंटेन्ड भगवान लोग के लाइफ के जैसा शेड्यूल रहता है आप लोग का, सुबह में उठना, ये सब सारा चीज़ देख रहे होगे, आप वेल मेंटेन्ड रहोगे, फिजिकल से लेकर मेडिकल तौर पर फिट रहोगे, ऑलवेज एक अच्छा थिंकिंग स्किल डेवलप होगा, सारा कुछ समाज में प्रोस्पेक्ट जो है, रिस्पेक्ट अच्छा खासा मिलेगा, ये सब चीज़ जो है फौज देती है आपको। तो अगर ये सब चीज़ मुझे बाद में समझ में आया कि हाँ ऐसा ऐसा भी है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कोई फौज का था नहीं, ठीक है, मतलब डिफेंस का था नहीं, मिलिट्री का था नहीं, बट और मैं बहुत ज़्यादा लंबा तगड़ा भी नहीं हूँ, एवरेज पर्सन हूँ, ठीक है? तो एवरेज हाइट वाले लोग ही एयरफोर्स नेवी में ज़्यादा जाते हैं, जिनका हाइट कम होता है, अदरवाइज वो आर्मी में जा सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि मैं आर्मी वाले को मैं कुछ नहीं बताने खोज रहा हूँ, ठीक है, बताने का नहीं सोच रहा हूँ, आर्मी वाले को भी सेम एडवाइस है, बट मैं बता रहा हूँ मेरा बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, ठीक है, 170 तक आसपास हाइट है, समझ में आ रहे हैं? तो मैं आर्मी के लिए एलिजिबल नहीं था, एयरफोर्स नेवी के लिए
कोस्ट गार्ड के लिए एलिजिबल था, तो वही सब मैंने निकाला, उस पर फोकस किया। एक दो आइटम में मेरा भी नहीं निकला था, बाद में निकला, फिर मैंने ज्वाइन किया। ऐसा ऐसा चीज़ है, बाकी मैं आप लोग को टाइम टाइम पे वीडियो बताता हूँ मेरा क्या है, क्या जॉब करता हूँ मैं, सारा वीडियो टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है, वीडियो को जाके सब्सक्राइब करके देखो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का दबाओ, और जितना भी मेरा वीडियो सेक्शन है उसमें जाके देखो, प्रीवियस वीडियो सारा व्लॉग व्लॉग बनाता हूँ, ठीक। तो आज मैं जो बता रहा हूँ आप लोग को कि रिटर्न का मार्क्स कैसे चेक करना है, ठीक है। देखो, कभी भी रिटर्न एग्ज़ाम होती है ना, रिटर्न एग्ज़ाम जो होती है सी डी एस का एग्ज़ाम होने के बाद, देखो आपका रिटर्न आ जाता है, रिजल्ट आएगा, उसमें लिस्ट होगा जिनका सेलेक्टेड कैंडिडेट है, ठीक है। आप सेलेक्ट हो गए, डायरेक्ट रिटर्न क्वालिफाई हो गया कट ऑफ से, ठीक है। तो आपको क्या होता है, कॉल लेटर आता है, मतलब कॉल लेटर आएगा कुछ देर बाद, मतलब आपको SSB का डेट चूज करना होगा, एक से दो मंथ में चूज करना है, या 10 से 15 दिन में चूज करना होता है, फिर 1 से 2 मंथ 3 मंथ पूरा, मतलब एक प्रोसीजर को कंप्लीट होने में 1 साल लग जाता है एक वैकेंसी को, ठीक है ना। जैसे 2 बार होती है एग्ज़ाम, चाहे वो ND हो, चाहे वो CDS हो, चाहे FCAT हो, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, जितना भी ऑफिसर एंट्री के एग्ज़ाम है। यहाँ पर मैंने मतलब FCAT इंडियन कोस्ट गार्ड भी असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम होता है, ये सब सारा चीज़ का मैं बता रहा हूँ। पूरे साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, एक बार आपका दिसंबर में फॉर्म निकलेगा और एक बार जून जुलाई में फॉर्म निकलेगा, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होता है, और एक होता है आपका सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होता है या नवंबर में एग्ज़ाम होता है, इस टाइप से चलता है साइकिल, ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट होते 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 1 साल में क्लियर हो जाता है सारा कुछ। उसके बाद अब नेक्स्ट ईयर आप लोग मतलब एकेडमी ज्वाइन करते हो ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसी के बीच में आपका सारा रिटर्न हो गया, उसके बाद SSB होता है, 5 दिन का प्रोसीजर होता है। सुनने में आया था डिनोवो सिस्टम लगेगा, 3 दिन वाला होगा, 5 दिन नहीं रखा जाएगा, 3 दिन किया जाएगा उसको, बट अभी तक लागू नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ चेंजेस होगा पूरा मिलिट्री फोर्सेस में, बिल्कुल रिन्यू रीजनरेट कर दिया जाएगा मोदी जी के द्वारा या जितने भी अपने गवर्नमेंट है, क्योंकि इनिशिएटिव अच्छा है। हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बट क्या है कि आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, SSC, रेलवे बैंक, हमारा उसके लिए भी चैनल है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक नंबर पढ़ाता हूँ आपको, मैं बता सकता हूँ कि सिलेक्शन दिलाने लायक हूँ या नहीं। आप मेरा वीडियो जाकर देखो, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन दिलाऊँ कोस्ट गार्ड में, एयरफोर्स में, नेवी में। अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चुका था कोस्ट गार्ड का, उसका भी रिजल्ट आना बाकी है, सारा कुछ, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ में बताऊँगा। तो देखो, कॉल लेटर आता है, उसके बाद SSB जाता है, SSB 5 दिन का प्रोसीजर होता है, उसमें बहुत सारे 10-12 टेस्ट होते हैं आपके, GTO, ये वो, फिजिकल, सारा कुछ उसी में हो जाता है। उसके बाद फिर मेडिकल होता है कुछ दिन बाद, वो भी 1-2 दिन 3 दिन का होता है, सारा कुछ। पायलट बनना है तो आपको पायलट के लिए अलग मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, नेवी में जाना है, इंजीनियर बनना है, मरीन इंजीनियर बनना है, या जो भी है नेवी में जाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर नेवी में BTEC चाहिए होता है, मतलब इंजीनियर लोग ही जा सकते हैं ज़्यादातर केस में, इंडियन नेवी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ ट्रेनिंग होता है आपको, फौज के अकॉर्डिंग काम होता है, फिर जाके मेडिकल हो गया, तो फिर मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम होता है, तब जाके आपको फाइनली कॉल लेटर या सब चीज़ हो जाता है, तब जाके आपको दिया जाता है बहुत सारा चीज़, ठीक है। तो इसी तरह प्रोसेस चलता है। तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, या और भी मेरे दोस्त लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है। तो देखो, ये सब सारा मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको उसमें लास्ट कैंडिडेट जो होता है मेरिट लिस्ट में ना, उसमें नाम रहता है, और मेरिट लिस्ट में मेरिट लिस्ट के साथ मार्क्स भी उसमें दिया हुआ रहता है कि हाँ, रिटर्न का इतना मार्क्स है भैया जी, और SSB का इतना मार्क्स है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, फाइनल जो कट ऑफ गया है इस बार, सारा कुछ दिखाऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, देखो, ये जो फर्स्ट आप रिटर्न एग्ज़ाम देते हो ना, इसका जो रिजल्ट आता है एकदम फाइनल आता है, जो रिटर्न मार्क्स, ठीक है ना, रिटर्न एग्ज़ाम का जो मार्क्स आप लोग चेक कर सकते हो, सभी का मार्क्स आता है। सबसे पहले जो एक मीट था ना, सभी का मार्क्स नहीं आता, सभी का मार्क्स आता है, कब आता है, वेट करना पड़ता है बहुत, फाइनल रिजल्ट, यानी समझ में आ रही है, 12 से 14 मंथ का ये प्रोसीजर होता है, 12 मंथ का प्रोसीजर होता है ये, यानी 1 साल का, ठीक है। 1 साल में सारा आपका सिलेक्शन पोजीशन खत्म हो जाएगा। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका तो मार्क्स पहले ही शो हो जाता है, ठीक है। अगर सिलेक्शन ले लिए हो या जहाँ पे भी छठे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स बाद में पता चल ही जाता है। अगर सिलेक्शन लेते जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आपका मार्क्स PDF में रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर जो किसी भी कोई स्टेज में सेट आ गया हो, ठीक है, आउट हो गया हो, चाहे वो SSB में आउट हुआ, चाहे वो रिटर्न में ही आउट हो गया, रिटर्न ही ना निकला हो, फिर भी वो लोग मार्क्स अपना चेक कर सकते हैं, मार्क्स जो है ना वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, बट उनको वेट करना पड़ता है कितना दिन का, क्योंकि ये जो प्रोसीजर होता है 10 से 12 मंथ इसको क्लियर करने में लग जाता है पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट आने में। तो जो कि अभी कुछ दिन पहले, 1 से 1.5 मंथ पहले मेरिट लिस्ट आ चुकी है और फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब इसके बाद एकेडमी सब लोग ज्वाइन करेंगे, जो CDS निकाल चुके हैं, जो NDA निकाल चुके हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो देखो, रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है। देखो, रिजल्ट आने के बाद आप लोग को मार्क्स कब आता है, सभी कैंडिडेट का मार्क्स, देखो ऑल कैंडिडेट, ठीक है ना, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, सभी ऑल कैंडिडेट का मार्क्स, ऑल कैंडिडेट का जो मार्क्स होते हैं ना भैया जी, ऑल कैंडिडेट का जो मार्क्स होते हैं वो दिखाया जाता है। बहुत कोई को मिथ्स होता है, मिथ्स मतलब डाउट होता है
कि आता है या नहीं है, अफवाह है या ऐसे ही। मैंने भी जूझा इस प्रॉब्लम से, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, इस प्रॉब्लम को दूर करना। कि कोई भी नए एस्पिरेंट होंगे तो उनको ज़रूर ये वीडियो दिखा देना, मैं सारा कुछ आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग को यही चीज़ बताने वाला हूँ कि देखो CTS जो एग्ज़ाम है ना, इसमें आपको सभी कैंडिडेट का मार्क्स दिखाया जाता है, आइदर एंड और मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो, यद्यपि कि आपको वेट करना होगा, सभी कैंडिडेट का मार्क्स दिखाया जाएगा, चाहे वो फेल हो जाए हो चाहे वो पास हो। जो रिटर्न एग्ज़ाम दिए हो OMR मार्क्सशीट पे, तो उसका मार्क्स आपको दिखेगा ही दिखेगा। कब दिखेगा भैया, कितना समय लगता है दिखने में भैया जी, अभी ये बात करना। OMR मार्क्स का जो दिए होगे, OMR दिए होगे आपको, उसका तो मार्क्स आपको शो होगा ही होगा, कितना मेरा मार्क्स आया है आउट ऑफ 300 का पेपर होता है, आप लोग को पता होगा। देखो तो सारा कुछ मैं आप लोग को मैं दिखा दूंगा, ठीक है, मैं दिखा दूंगा। देखो तो आप लोग अगर जो फाइनल मार्क्स जिनका भी देखना ना, उनको लगभग 14 मंथ वेट करना होता है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट से। मैं बिल्कुल एनालिसिस किया हुआ हूँ, बिल्कुल करेक्ट चीज़ है, 10,000% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये चीज़ बहुत प्रूवन है, ठीक है। मैंने पूरा डेट को लिखा, एनालाइज किया, कब से कब मेरा मार्क्स आया, मैं बहुत वेट किया। NDA में मेरा 2 बार एग्ज़ाम दिया था मैंने, दोनों बार में एक बार निकला था और एक बार मैं आउट हो गया था फर्स्ट अटैम्प्ट में, बहुत लेट से पता चला था, मेरा एज उस समय निकलते निकलते रह गया था, समझ में आ रही है। तो मैंने बहुत लास्ट में एग्ज़ाम दिया था, लास्ट में एग्ज़ाम देने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा मार्क्स क्या आ रहा है, तो मुझे कोई उस समय गाइडेंस भी देने वाला नहीं था। आज मैंने उसको एनालाइज किया CDS देके, क्योंकि दोनों तो UPSC कंडक्टिंग बॉडी, दोनों की सेम UPSC कराती है, ठीक है ना, एग्ज़ाम लेती है, ठीक है ना, कराती तो है मिलिट्री फोर्सेस लोग, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी जो होती है UPSC होती है रिटर्न की, SSB कराते हैं वो सेना वाले लोग, जहाँ भी SSB सेंटर होता है, समझ में आ रही बातें। तो ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पर सिलेक्शन वाले लोग रहते हैं, कर्नल उर्नल जो भी हैं आपके, जहाँ पे भी जाओगे उसका ऑफिसर रहे। ये क्लियरली मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ जो फैक्ट है, इस वीडियो का टोटल जो सार निकल के आया ना, 14 मंथ बाद आपको रिटर्न का मार्क्स देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक मंथ तक रहता है वेबसाइट पे। कितना मंथ तक, एक मंथ तक आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, अपना मार्क्स कितना मेरा सही था, कितना गलत हुआ, कितना मार्क्स आया, कौन सा स्टेज में मैं एलिमिनेशन हुआ, मेरा छट गया हम, ठीक है, ऐसे रिटर्न में क्वालिफाई हुए थे कि नहीं, कितना नंबर से रह गया था, क्या गया था कट ऑफ, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले आप लोग को दिखाता हूँ अभी कट ऑफ, ठीक है, वेट करना एक मिनट के लिए। देखो भैया जी, इतना बड़ा मैंने वीडियो बनाया, बट इतना काम की वीडियो है कि दोबारा आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। CDX 121 ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स आया, IMA, एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन नेवी अकेडमी, OTA यानी ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, सारा जितना भी फौज में ट्रेनिंग करवाती है जी ऑफिसर लेवल की, ठीक है ना, तो सभी को ये ट्रेंड कराते हैं, ठीक है ना। ये जो एग्ज़ाम होता है उसका सोचो, एग्ज़ाम हुआ था 7 फरवरी को, याद रखना 7 फरवरी 2021 को एग्ज़ाम हुआ था इसका, ठीक है। और एग्ज़ाम का जो कट ऑफ निकला है ना भैया, वो कब निकला देख रहे होगे आप, वो अभी निकला है 14 मंथ बाद, ठीक है, यानी अब मान लो 12 मंथ बाद, क्योंकि पूरा जो प्रोसीजर को कंप्लीट होने में 12 मंथ लग जाता है, ठीक है। तो फाइनल जो कट ऑफ निकल के आता है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट जो आती है 10 से 11 मंथ के में आ ही जाती है, और आपका जो मार्क्स जो होता है ना उसका 15 से 20 दिन बाद, 25 दिन बाद या एक मंथ बाद, क्योंकि 12 मंथ का पूरा प्रोसीजर होता है, और 1-2 मंथ मान लो 14 मंथ में आपका पूरा 14 मंथ या 13.5 मंथ एग्जैक्ट आपको लगता है। जैसे देखो मार्क्स आया है आपका 13 दिन पहले, आज से 13 दिन पहले, आज 13 से 15 दिन पहले आया है मार्क्स, ठीक है, मान लो 20 दिन पहले आया, ठीक है, मान लो 20 दिन पहले आया, आज है आपका एग्ज़ाम हुआ था 7 फरवरी को, आज है आपका कितना 13th मार्च, ठीक है, 7 फरवरी 2021, ये है 7 मार्च 13 मार्च 2022, तो देख लो कितना का डिफरेंस है। ये पूरा प्रूफ प्रॉपर 1 मंथ 1 ईयर एंड 13th मार्च है आज, तो आप सोच सकते हो, सॉरी 13th अप्रैल है, माफ़ करना मुझे, 13th अप्रैल है आज, 7 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, 7 फरवरी 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, और आपका आज है 13th अप्रैल, यानी 13th अप्रैल 2022, यानी आप सोच सकते हो कितना का डिफरेंस है। यहाँ से 7 फरवरी से 7 फरवरी 2021 से 22 जुड़ोगे तो 1 ईयर, फिर फरवरी से मार्च 1 ईयर 1 मंथ, एंड मार्च से अप्रैल 2 मंथ, यानी सोच सकते हो 14th, और यानी 13 अप्रैल से 13 दिन पहले कर लो, तो यानी आपका समझ पा रहे होगे आपका मार्क्स कब आया है। मैं दिखा देता हूँ, मार्क्स आपका आया है वहाँ पर वेबसाइट पर लिखा हुआ है 31/3/2022 को मार्क्स आपका आया है, तो 31/3/2022 को यानी फरवरी मार्च, ठीक है ना, 1 साल 1 मंथ 15 दिन, यानी 12 मंथ
45 days, 12 month 45 days में आपका मार्क्स आता है। ये आगे पीछे हो सकता है, यानी आप इसको अप्रोक्स 13 से मतलब ईजिली, यानी 13 month 15 days यहाँ इसको मान सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। यानी मैंने अप्रोक्स आपको बताया था 13 month 13.5 month आपको लगेगा, या 14 month आप बोल सकते हो, मैंने पहले ही बताया था, इतना दिन आपको लगेगा मार्क्स आने में। और मार्क्स आप लोग कैसे चेक कर सकते हो स्टेप बाई, हो सकता है बहुत कोई को ये सब चीज़ पता हो, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको ये नहीं पता, जो नए फील्ड में है, जो सोचते हैं मैं मार्क्स कैसे चेक करूँ, मेरा कितना मार्क्स आया, मैं एनालाइज कैसे करूँ, ऑफिशियल आंसर की क्या था सारा कुछ। वैसे तो बहुत चैनल वाले लोग आंसर की बता देते हैं पहले ही एग्ज़ाम के फर्स्ट दिन ही एनालिसिस, जैसा भी एग्ज़ाम हुआ था CBSE 2022 का, मैं उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, ठीक है ना। मुझे भी ऑफिसर की तैयारी करना है, कर रहा हूँ, ठीक है ना, और मेरे दोस्त लोग भी कर रहे हैं। फिलहाल मैं अभी हूँ सेलर की पोस्ट पे, ठीक है ना, एयरमैन को पोस्ट पे, सारा कुछ मतलब नॉन कमीशन रैंक पे हूँ मैं, ठीक है, मुझे ऑफिसर बनना, ठीक है। तो देखो सबसे कंबाइंड डिफेंस एग्जामिनेशन पब्लिकेशन ऑफ कटक मार्क, देखो ऑफिशियल कटक क्या है एकेडमी का, IMA के लिए 145 गया है, ठीक है ना, और 20% हर एक पेपर में होना चाहिए, 300 में से 145 रिटर्न में कटक गया था IMA का, ठीक है, ये था IMA का, IMA उसी तरह INA का कितना गया 136 गया, यानी 136 आउट ऑफ 300, ठीक है, और पर पेपर 100 मार्क्स का होता है। उसी तरह एयरफोर्स में गया था सबसे ज़्यादा कटअप गया 158 यानी 160, और अगर मेरिट में आना है तो कम से कम अब 10 नंबर बढ़ा के चलो रिटर्न में, समझ में आ रही है बातें।